नमस्कार साथियों, शिव सर पीसीएस क्लास पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका डेली करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले जो मित्र चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में मार्च 2020 के दौरान किस बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए किसी भी तरलता और संतुलन को पूरा करने के लिए एक आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोली है? तो किसने खोला है? भारतीय स्टेट बैंक ने। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कोरोना वायरस के डर से लड़ने का प्रयास करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ साफ सफाई करने के लिए एक मुहिम के रूप में रसायनों को छिड़कने के लिए ड्रोन तैनात करने का विकल्प चुना है? तो किसने चुना है? इंदौर ने। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अब विश्व जल दिवस का थीम इस बार क्या था? जल और जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न, 23 मार्च 2020 को मनाए गए विश्व मौसम दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब है? 23 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम क्या था? जलवायु और जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम था जलवायु और जल, और विश्व जल दिवस का था क्या था? जल और जलवायु परिवर्तन। आइए अगले प्रश्न पर, हाल ही में मार्च 2020 के दौरान कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म ही नहीं हुआ था कि इसी के बीच किस नाम के एक नए वायरस ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया? तो कौन सा था? हंता वायरस। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की ही तरह हंता वायरस भी चीन से ही उत्पन्न हुआ है, चीन में ही पाया गया है। आइए अगले पे चलते हैं। छठा प्रश्न आज का, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाल ही में होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया गया है, यह चुनाव कब होना था? तो आपका चुनाव 26 मार्च 2020 को होना था, लेकिन उसको टाल दिया गया है। सातवां प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जो कब से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक नया ऋण और राजकोषीय समेकन मानचित्र निर्धारित करेगा? तो आपको मालूम है कि वित्त आयोग जो एनके सिंह की अध्यक्षता में है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे एनके सिंह। उनकी अध्यक्षता में जो बनी है समिति, वो केंद्र और राज्य के लिए ऋण और राजकोषीय समेकन मानचित्र निर्धारित करेगा, वो 5 सालों के लिए माना जाएगा। तो 5 साल कब से शुरुआत हो रहा है? आपका 1 अप्रैल 2021 से माना जाएगा। आइए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 मार्च 2020 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम, मैंने आपको ऊपर बताया था कि विश्व जल दिवस की थीम इस बार क्या थी? जल और जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न, नेटफ्लिक्स इंक ने मार्च 2020 के दौरान फिल्म और टेलीविज़न प्रस्तुतियों पर श्रमिकों को सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर के कोष की स्थापना की जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बंद हो गए? तो आपका कितना मिलियन डॉलर का सहायता मिला है? 100 मिलियन डॉलर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीन के किस शहर से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला है? आपको याद करना होगा, वुहान शहर से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला है। ठीक, तो चलिए मित्रों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर करिए और एक लाइक करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।